जयपुर में आ चुके हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है नाहर एयरपोर्ट के लिए। ये किस तरीके से बैठे हुए हैं, एक ऑटो में चार लोग, ये लेटे हैं ऑटो में हमारे दोस्त, और हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। पिंक सिटी, हर तरफ पिंक बिल्डिंग ही बनी हुई है। मुझे तो ये कलर थोड़ा ऑरेंज लग रहा है, और वैसे मैं भी ऑरेंज ही पहने हुआ। जयपुर के पहाड़ों में हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम। अब लगभग पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और व्यू लेकिन काफ़ी कमाल का मिल रहा है। हम लोग ऑटो से आ रहे हैं और हमारा ऑटो इन दो गाड़ियों के पीछे फंसा हुआ है, और पीछे जयपुर सिटी। जयपुर सिटी आपको दोस्तों मेरे पीछे दिख रहा है, इसको मोड़ना पड़ेगा तब मैं आपको कायदे से दिखा पाऊँगा। इतनी पतली रोड पे चार चार बस आ गई है, शायद ये लोग टूरिस्ट को लेकर आई थी या जो भी वजह, इनकी वजह से बहुत खतरनाक जाम लगा हुआ है। तो हम लोग बीच में बैठकर व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग यूपी गए तो यूपी वाली चीजें दिखाना पड़ता है दोस्तों। वो है अपना जयपुर और सामने है जल महल, काफी खूबसूरत नजारा। परफेक्ट है ये किला भी, वैसे परफेक्ट है। तो पहले करप्शन ना होने की वजह से काफ़ी शानदार चीज़ें बन जाती थी, अब तो एक साल चार पांच दिन भी नहीं चलती हैं। नाहरगढ़ फोर्ट तो कमाल का है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल का है यहाँ पर आने का रास्ता। यहाँ वहाँ से जो व्यू मिलते हैं और उसके बाद यहाँ से जो व्यू मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होते हैं। दोस्तों अब हम इस नाहरगढ़ फोर्ट के एकदम टॉप पर यानी रूफ पर आ चुके हैं, और यहाँ से भी काफ़ी शानदार व्यू मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी ज़बरदस्त आर्किटेक्चर और गुंबद बने हुए हैं। पूरा जयपुर दिख रहा है आपको यहाँ से, ये भी कोई महल है, मुझे नाम नहीं पता इसका। दोस्तों टूरिस्ट इतने ज़्यादा ऊपर हैं छत पर, काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन आने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो एक आदमी केवल निकल सकता है, दो भी नहीं निकल सकते, इसीलिए लाइन लगा कर हम लोगों को नीचे उतरना पड़ रहा है। अभी इस फोर्ट से जाने का वक्त हो गया दोस्तों, हम लोग इस फोर्ट से वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी ऑटो पर पहुँच कर हमें अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, यानी कि बस को भी कैप्चर करना है जो कि 9 बजे की है, और यहाँ से जाने में शायद ट्रैफिक जैम की वजह से टाइम लग सकता है, इसीलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कि जाम ना मिले यहाँ से वापस जाने में, नहीं तो बस मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़बरदस्त लगा हुआ है, इसी वजह से हमारी गाड़ियाँ सब रुकी हुई हैं। तो कुछ नहीं, हम लोग व्यू को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि व्यू तो कमाल का ही है, चाहे आप जिधर चले जाइए हर तरफ कमाल का व्यू मिलेगा आपको। तो अब हम लोगों को कुछ खाना है यहाँ पर और वापस चलना है। आप पीछे देख सकते हैं राज मंदिर, ये यहाँ का
ओल्डेस्ट मूवी थिएटर है हिस्टोरिकल, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और यहीं पर डोमिनोज, हम लोग डोमिनोज में कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से चलेंगे।